मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो शहर के लिए गर्मी की वार्निंग जारी कर दी। ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन एरिया में जंगलात में आग लगने का खतरा। हफ्ते के रोज दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में गैर मुल्की मदाखलत पर हुकूमती नुमाइंदे के खिलाफ वोटिंग, डेविड जॉनस्टन डट गए, ओहदा छोड़ने से इनकार। कैनेडियन वजीर आजम जॉनस्टन की हिमायत में सामने आ गए। यूक्रेन के वजीर दिफा ने कनाडा की हुकूमत को नज़रअंदाज कर दिया। यूक्रेनी वजीर दिफा जदीद तरीन हथियारों की दरख्वास्त कनाडा के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स के पास ले गए। यूक्रेनी वजीर दिफा का कहना था कि हम कनाडा की तवील मुद्दती हिमायत पर एतमाद करते हैं। अमरीका के दिवालिया होने का खतरा टल गया। ऐवान में कार्रवाई से मुतालिक करारदाद 187 के मुकाबले में 241 वोटों से मंजूर कर दी गई। कर्ज की हद 1 जनवरी 2025 तक मुअत्तल कर दी जाएगी। अमरीकी और चीनी तैयारे खतरनाक हद तक आमने सामने। दोनों ममालिक की अफवाज का एक दूसरे पर फिजाई हदूद के खिलाफ वर्जी और जारहाना अजाम का इल्ज़ाम। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो शहर के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो शहर के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन एरिया में गर्म और मरतूब हवा पहुँच रही है। वफाकी हुकाम का कहना है कि खत्ते के कुछ हिस्से इस वक्त जंगल में आग लगने के इंतहाई खतरे में है। कैनेडियन वाइल्ड लैंड फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग के अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके ब्रैम्पटन और मिसिसागा के मशरकी हिस्से, वॉन के जनूबी हिस्से, रिचमंड हिल और मार्कम और टोरंटो में एटोबिको, नॉर्थ यार्क और स्कारब्रो के बड़े हिस्से हैं। हुकाम ने दर्जाबंदी की कि ये इलाके इंतहाई हैं और 5 ज़मरों में से सबसे ज्यादा खतरे की सतह पर हैं, जबकि जुनूब मगरबी ऑनटेरियो के बेशतर हिस्से भी इंतहाई दर्जाबंदी के तहत थे। GTHA और जुनूबी ऑनटेरियो में आसपास की दीगर कम्युनिटीज़ आला दर्जाबंदी के तहत हैं। आग के ख़तरे की दर्जाबंदी इस बात का तायुन करने के लिए की जाती है कि आसानी से पौधों में आग लग सकती है, मुमकिन आग पर काबू पाना कितना मुश्किल हो सकता है और आग से कितना नुकसान हो सकता है। ऑनटेरियो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट्री सूबे के बेशतर इलाकों में जंगलात और जंगलात में लगने वाली आग के रद्द अमल को मरबूत करती है। ऑनटेरियो में इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा आग लग रही है और ज्यादातर को काबू में समझा जाता है या देखा जा रहा है। टोरंटो में हफ्ते तक दिन के वक्त दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड और इससे ऊपर होने की पेशगोई की गई है, जबकि दिन के वक्त दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा, जो साल के इस वक्त के लिए आम दर्जा हरारत के इर्द गिर्द है। माहौलियात कनाडा की 7 दिन की पेशन गोई में कोई बारिश नहीं। एजेंसी के मुताबिक हफ्ते के रोज ठंडे दर्जा हरारत की वापसी की पेश गोई की गई है। पार्लियामेंट के अराकीन की जानिब से उनकी बरतरफी के हक में वोट देने के बाद डेविड जॉनस्टन ने कहा कि गैर मुल्की मदाखलत के इल्जाम की तहकीकात का उनका मैंडेट हुकूमत की तरफ से आता है, हाउस ऑफ कॉमन से नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
पार्लियामेंट के अराकीन की जानिब से उनकी बरतरफी के हक में वोट देने के बाद डेविड जॉनस्टन ने कहा कि गैर मुल्की मदाखलत के इल्जामात की तहकीकात का उनका मैंडेट हुकूमत की तरफ से आता है, हाउस ऑफ कॉमन से नहीं। साबिक गवर्नर जनरल ने एनडीपी की तरफ से पेश की गई तहरीक पर वोटिंग के बाद एक बयान जारी किया जिसकी कंजर्वेटिव और ब्लॉक क्यूबेकों ने हिमायत की जबकि लिबरल्स ने मुखालफत की, जो 150 के मुकाबले में 174 वोटों से कामयाब हुई। तहरीक में जॉनस्टन से मुतालबा किया गया कि जो अहदा उन्हें मार्च में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उन इल्जामात को देखने के लिए सौंपा गया था कि चीन ने पिछले दो विफाकी इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश की थी, इससे अलग हो जाएं। हुकूमत गैर मुल्की मदाखलत के मामले की अवामी इंक्वायरी शुरू करे। साबिक गवर्नर जनरल जॉनस्टन ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में ऐसी इंक्वायरी के खिलाफ सिफारिश की थी। जॉनस्टन ने अपने बयान में कहा कि जब मैंने आज़ाद खसूसी नुमाइंदे के तौर पर काम करने का मैंडेट कबूल किया तो मैंने इस हकीकत के मुकम्मल इल्म के साथ ऐसा किया कि आगे का काम ना तो सीधा होगा और ना ही गैर मुतनाज़ा। मैं हाउस ऑफ कॉमन्स के इस हक का दिल से एहतराम करता हूँ कि वो अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में अपनी राय का इजहार करे, लेकिन मेरा मैंडेट हुकूमत के पास आता है, मेरा फ़र्ज़ है कि जब तक मेरा मैंडेट मुकम्मल नहीं हो जाता उस काम को जारी रखूँ। ट्रूडो ने कहा था कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के मौकफ के बावजूद उन्हें जॉनस्टन पर अब भी एतमाद है। अपोजिशन जमातों ने इब्तदाई तौर पर उनकी तकर्री को वजीर आजम के खानदान और पियर एलियट ट्रूडो फाउंडेशन से जॉनस्टन के खानदानी रवाबित की वजह से मुस्तरद किया। ट्रूडो ने इन खदशात को दूर करते हुए सहाफियों को बताया कि वो इस मामले को सियासी जमातों के तौर पर देखते हैं जो मुतासिबाना पॉइंट्स हासिल करना चाहती हैं। यूक्रेन के वजीर दिफा ने कनाडा की हुकूमत को नज़रअंदाज करते हुए अपने मुल्क की मजीद जदीद तरीन हथियारों की दरख्वास्त बराहे रास्त कनाडा के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स के पास ले गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के वजीर दिफा ने कनाडा की हुकूमत को नज़रअंदाज करते हुए अपने मुल्क की मजीद जदीद तरीन हथियारों की दरख्वास्त बराहे रास्त कनाडा के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स के पास ले गए। एक वीडियो बयान के जरिए यूक्रेनी वजीर दिफा ने कनाडा की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश के लिए जमा होने वाले सामईन को बताया कि उनके मुल्क को फौरी तौर पर फौजी साजो सामान की ज़रूरत है जिसे पूरा किया जाना चाहिए, लिहाजा हम इस शोबे में कनाडा की तवील मुद्दती हिमायत पर एतमाद करते हैं। रेजनकॉफ ने कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सालाना तजारती शो को बताया कि यूक्रेन ने अपनी कैनेडियन मसनूआत और टेक्नोलॉजीज की फहरिस्त कैनेडियन हुकूमत को दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कनाडा और उसके दिफाई ठेकेदारों के साथ शराकत दारी में काम करना चाहता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हार्डवेयर हमारे लिए दस्तियाब है जब हमें ज़रूरत है और इस मकदार में जिसकी हमें ज़रूरत है। उनकी ये अपील उस वक्त सामने आई है जब वफाकी हुकूमत यूरोप में कनाडा की फ़ौज को बुरी तरह से दरकार साजो सामान हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है और फौजियों की जानिब से हथियारों और हिफाजती आलात की उम्र और मयार के बारे में शिकायत का सामना है। कनाडा ने यूक्रेन को $1 बिलियन से ज़्यादा मालियत का मिलिट्री हार्डवेयर अतिया किया है जिसमें हल्की बख्तरबंद गश्ती गाड़ियाँ, एक जदीद तरीन फिजाई दिफाई निज़ाम, पुराने एंटी टैंक हथियार लियोपार्ड 2 मैन जंगी टैंक और 155mm के होवर्ड्स शामिल हैं। अभी तक तमाम सामान फराहम नहीं किया गया है। रेजनकॉफ ने अपने तबसरों में कनाडा का शुक्रिया अदा किया। कीव में यूक्रेनी हुकाम ने निजी तौर पर तरसील की रफ्तार पर मायूसी का इजहार किया है और एक ज्यादा मुनज्जम निज़ाम कायम करने और यूक्रेन को कनाडा के दिफाई इदारे तक बराह रास्त रसाई देने के लिए बंद दरवाजों के पीछे कनाडा से लॉबिंग की है। अमरीका के दिवालिया होने का खतरा टल गया, प्रोसीजरल वोट मंजूर, बिल अब ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की दिवालिया होने का खतरा टल गया, प्रोसीजर वोट मंजूर, बिल अब ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। कर्ज की हद 31.4 खरब डॉलर तक महदूद रखने को मुअत्तल किए जाने का बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन स्पीकर कियन मैकार्थी का कहना है कि बिल पर वोटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे होगी और ये मंजूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून साजी कर ली गई तो कर्ज की हद 1 जनवरी 2025 तक मुअत्तल कर दी जाएगी। इस तरह नवंबर 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन में इस मामले पर सियासत नहीं चमकाई जा सकेगी। ऐवान में कार्रवाई से मुतालिक करारदाद 187 के मुकाबले में 241 वोटों से मंजूर कर ली गई। वोट मंजूर किए जाने से बिल पर बहस का आगाज हो गया है और इस पर वोटिंग की राह हमवार हो गई है। ऐवान में 213 डेमोक्रेट्स और 222 रिपब्लिकन्स अरकीन हैं, ताहम 29 रिपब्लिकन्स को बिल पर एतराज़ है। इस तरह बिल मंजूर करने के लिए रिपब्लिकन्स को हरीफ डेमोक्रेट्स की भी हिमायत दरकार है।
अमेरिका और चीन के तैयारे फिजा में आमने सामने आ गए और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जारहाना कार्रवाई का इल्ज़ाम आयद किया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका और चीन के तैयारे फिजा में आमने सामने आ गए और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जारहाना कार्रवाई का इल्ज़ाम आयद किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर से शुरू होने वाली अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में हुकूमत की तब्दीली के बावजूद कमी नहीं आई और इस ज़मन में होने वाली किसी कोशिश का खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। दोनों ममालिक की अफवाज ने एक दूसरे पर फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और जारहाना अजाइम का इल्ज़ाम आयद किया है। चीन ने बहिरे जनूबी चीन के ऊपर अमरीकी निगरानी वाले तैयारों के वाक़े को अमरीका की इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माउनिंग ने बुध के रोज़ कहा कि चीन पर कड़ी निगरानी के लिए अमरीका की जानिब से तवील मुद्दती और बार बार जहाज़ों और तैयारों को भेजने से चीन की कौमी खुदमुख्तारी और सलामती को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इस किस्म की इश्तियाल अंगेज खतरनाक सरगर्मी समंदरों पर सिक्योरिटी के मसाइल की वजह है। चीन अपनी खुदमुख्तारी और सलामती के पुख्ता तहफ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करता रहेगा। ये अमरीका है जो आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करता है। अमरीकी फ़ौज ने मंगल को कहा कि एक चीनी लड़ाका पायलट ने गुज़िश्ता हफ्ते बहिरे जनूबी चीन के ऊपर काम करने वाले अमरीकी निगरानी के तैयारे के करीब गैर ज़रूरी तौर पर जारहाना कार्रवाई का मुजाहरा किया। अमरीकी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन के एक J-16 लड़ाका तैयारे ने 26 मई 2023 को अमरीकी फिजाइया के RC-135 तैयारे को रोकने के लिए जारहाना हरबे आजमाए। अमरीकी फौज की जानिब से जारी करदा वीडियो फुटेज में एक चीनी लड़ाका तैयारा अमरीकी तैयारे के सामने क्रॉस करते हुए दिखाया गया है, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।